दोस्तों आज हम मनाएंगे काले जामुन। ये गुलाब जामुन नहीं है, ये काले जामुन है। ये गुलाब जामुन से थोड़े से ब्लैक होते हैं और इनको हम बिना खोए के बनाएंगे, बिल्कुल मिल्क पाउडर से बनाने वाले हैं। आप देख रहे हैं कितने जूसी हैं, कितने देखने में बढ़िया लग रहे हैं। जितने देखने में अच्छे हैं उतने खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए गुलाब जामुन बनाना शुरू कर लेते हैं। देसी संस्कृति तड़के में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी, और चाशनी बनाने के लिए हमने एक भगोनी रख दी है, उसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा गिलास चीनी ले ली है और आप किसी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। लगभग 400 ग्राम चीनी है तो हमने डेढ़ गिलास चीनी इसमें डालना है। तो ये मैंने डेढ़ गिलास चीनी डाल दी है और उतना ही हमको पानी डालना है। तो जितनी हम चीनी लेंगे उतना पानी डालेंगे। तो हमने डेढ़ गिलास चीनी ली थी तो डेढ़ गिलास इसमें पानी हम डाल देंगे। अब एक चम्मच की सहायता से हम चीनी को चला देंगे, जिससे कि ये भगोने के तले में ना चिपके। छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना होगा, स्टेप बाई स्टेप हम फॉलो करेंगे तो हमारे काले जाम बिल्कुल बढ़िया बनेंगे। तो ये चीनी इसमें घुल चुकी है और आप देख रहे हैं बढ़िया घुल गई है चीनी। तो अब इसमें हम डालेंगे इलायची। इसमें हमने दो साबुत इलायची डाल दी है थोड़ा सा कूट के। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर, ये येलो फूड कलर है और इससे चाशनी का कलर एकदम येलो येलो हो जाएगा। अगर आपके पास केसर हो तो इसमें आप केसर भी डाल सकते हैं, केसर से भी इसका कलर येलो आता है। पर केसर नहीं हो तो आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं और चाशनी बिल्कुल बढ़िया बन रही है। चाशनी को हमको हल्का चिपचिपा होने तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गुलाब जल की 4 से 5 बूंदें, जिससे इसमें गुलाबी फ्लेवर आ जाएगा, बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा। तो अब 4 से 5 मिनट बाद हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो अपनी उंगली पर हम इस प्रकार लेंगे और देखेंगे तो थोड़ा सा हमको चिपचिपापन महसूस हो रहा है। तो हमारी चाशनी बन चुकी है। हमको बिल्कुल भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिंपल चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनके तैयार है, हमने गैस को ऑफ कर दिया है और इसको ढक के रख देंगे ताकि ये गर्म बनी रहे। अब हमने एक बाउल लिया है और ये हमने लिया है मिल्क पाउडर। तो आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो मैंने दो प्रकार के मिल्क पाउडर हैं, जिसमें से आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच घी। तो ये मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है, शुद्ध देसी घी है। तो इसको मैंने डाल दिया है और इसके साथ में ही मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच मैदा। तो इसमें मैंने 1 चम्मच मैदा डाल दिया है। अगर आप बाज़ार में आने वाले गुलाब जामुन का जो पैकेट है जिस पर लिखा है गुलाब जामुन मिक्स, अगर इस पैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना होता है, सारा कुछ मिक्स होकर आता है। सिर्फ इसको आपको गूँथना होता है। और अगर आप इस प्रकार के अमूल का स्प्रे जो लिखा हुआ है ये वाला मिल्क पाउडर यूज करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा सूजी, मैदा और आपको बेकिंग सोडा ऐड करना पड़ता है। पर इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये हमने लिया है गुलाब जामुन का मिक्स पाउडर। तो इसमें मैंने बस थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है और मैदा। तो अगर आप इनको ऐड ना करें तो अभी गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनती हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ले लेंगे दूध। तो इसको हमको दूध से अच्छे से गूँथना है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी से भी आटा लगा सकते हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल स्मूथ हमको गूँथना है, बिल्कुल खोए जैसा। तो बिल्कुल हमको गुलाब जामुन जो बनानी है वो खोए के टाइप में बनानी है। तो इसमें लगभग हमारा 1/2 कप मिल्क लग जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करते जाएं और इसको गूँथते जाएं। और जब आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा मिल्क और ले सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा मिल्क और ले लिया है और मैं इसमें मिला लूँगी। तो ये अभी थोड़ा सा चिपचिपापन है इसमें, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। तो हम इसको ढक के रख देते हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसका जो भी मॉइस्चर था वो मिल्क पाउडर ने सोख लिया है। तो इस थोड़ी देर के लिए इसको हम गूँथेंगे। इसको हमको आटे की तरह नहीं गूँथना है, बस उंगलियों की सहायता से अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल खोए की तरह इसको चिकना करना है ताकि इसके जो भी ब्लैक जामुन बने वो बहुत ही चिकने बने। तो ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें हमने थोड़ा सा दूध ऐड कर लिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसका जो डो है बिल्कुल हमको खोए जैसा रखना है, ना ही इसको टाइट रखना है ना ही लूज, बिल्कुल खोए जैसा होना चाहिए। तो ये हमने अच्छे से गूथ लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जितने साइज के हमको काले जामुन बनाने हैं उतने साइज के हम लोइयां काट लेंगे। आप अगर बड़े साइज के काले जामुन बनाना चाहें तो बड़े बड़े लोइयां तोड़ लें, अगर छोटे बनाना चाहें तो छोटी छोटी। हम यहाँ मीडियम साइज के काले जामुन बनाएंगे, तो हमने मीडियम साइज की लोइयां ले ली हैं। इनको हमको हाथों की हथेली के बीच में रखना है, गोल गोल घुमाना है और इनको बढ़िया से गोल शेप देना है। तो इस प्रकार हम सारे काले जामुनों को बना के रख लेंगे। अब इनको हम थोड़ा सा हलवाई वाला लुक देंगे, तो उसके लिए हम इसकी तैयार करेंगे स्टफिंग। तो यहाँ पर हमने पिस्ता और बादाम ले लिए हैं, अगर आप किशमिश बतासा कुछ भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। और एक हमने इसमें से गुलाब जामुन का पीस ले लिया है, इसको हमने इसमें मिक्स कर लेंगे और एक चुटकी हम डाल देंगे येलो फूड कलर। तो इसके साथ हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और एक चम्मच हमने डाल दिए इलायची। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये चिपचिपा है, तो उसके लिए एक प्लेट ले लेंगे। उस प्लेट में इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना के रख लेंगे, जितने हमने पेड़े बनाए हैं उतनी गोलियां बना लेंगे। अगर गोलियां थोड़ी सी कम पड़ जाती हैं तो कोई बात नहीं, उतने ही पेड़े में भर लेंगे, बाकी पेड़े हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो हमने इसकी छोटी छोटी अच्छे से गोलियाँ बना ली हैं। तो अब हम एक काले जामुन का पेड़ा लेंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इसमें जगह बनाएंगे और इसमें हमने जो गोली बनाई है स्टफिंग की, इसको इसके अंदर रख देंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। और फिर इसको हम इस प्रकार गोल गोल अच्छे से घुमा लेंगे, जिससे कि हमारा जो काला जामुन है बढ़िया बन जाए। अब हम एक और पेड़े को ले लेंगे, इसके अंदर भी स्टफिंग भर लेंगे और चारों कोने बंद करके अच्छे से गोल गोल घुमाएंगे। तो इस प्रकार हमको सारे काले जामुनों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने गैस पे ऑयल को गर्म करने रख दिया है और इसको हमको लो फ्लेम पर गर्म करना है। यहाँ पर हम घी भी ले सकते हैं। सारी प्रोसेस हमको लो फ्लेम पर ही करना है, बिल्कुल भी गैस को तेज़ नहीं करना है। जैसे ही हम इसमें काले जामुन को डालेंगे तो चम्मच की सहायता से हमको ऑयल को चलाना है और काले जामुन को टच नहीं करना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो हमको जैसे ही डालते जाना है और चम्मच की सहायता से ऑयल को चलाते जाना है। तो एक एक करके हम इसमें सारे काले जामुनों को डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े ये सिक चुके हैं, तो हमने इनको पलट लिया है और अब हम इसमें चम्मच टच कर सकते हैं। लो फ्लेम पर हमारे काले जामुन बिल्कुल बढ़िया अंदर से पक जाएंगे और अगर हम गैस को तेज कर देंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि ये अंदर से भी पक जाएँ। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं। अगर आप इसको गुलाब जामुन खाना चाहें तो अभी भी निकाल सकते हैं और चाशनी में डाल सकते हैं। पर हम यहाँ पर काले जामुन बना रहे हैं तो इनका कलर थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। तो बिल्कुल डार्क हो चुके हैं, काले जामुन बन चुके हैं, तो इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने प्लेट ले ली है और थोड़े थोड़े करके हम सारे काले जामुनों को प्लेट में निकाल देंगे। और हमारी चाशनी भी अभी गर्म है, तो चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए और चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए, जिसमें हम अपनी उंगली को डिप करें तो हमारी उंगली जलने लगे। तो इसमें हमने सारे काले जामुन डाल देंगे और बाकी काले जामुन भी इसी तरह सेक लेंगे। तो इसमें हमने काले जामुन डाल दिए, एक प्लेट से ढक के रख देंगे। लगभग आधा घंटे तक इनको ढक के रखना है, जिससे ये चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया काले जामुन बन चुके हैं और इन्होंने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और बिल्कुल खाने लायक हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जूसी काले जामुन बनके तैयार हो चुके हैं। अब देर किस बात की, आप भी जाइए और फटाफट काले जामुन बनाना ट्राई कीजिए।